फिर भी आदमी सोचता है कि बीपीएससी का एग्जाम है तो इट्स ओके, लेकिन फिर इस तरह का जब डिसीजन आता है सामने तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो गया, आउट हो गया क्वेश्चन, और ये फिर बाद में सारा डिसीजन लेने के बाद एग्जाम रद्द हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, क्या मजाक है। नहीं, एग्जाम देने के बाद भी आपको अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो डीमोटिवेशन होगा ही, बिल्कुल। तो बहुत ही मुश्किल है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल, बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आप देख लीजिए और फिर बिहार का देख लीजिए, तो बिल्कुल स्टेट का छवि खराब होता है। आपका जब चुनाव आता है तो सारा व्यवस्थित ढंग से कितना अच्छा सारा सब कुछ टाइम पर चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, एग्जाम में क्यों नहीं होता है, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चे से, सब मत कीजिए, बंद कीजिए। यही बेसिक रीजन है कि आप इतना टाइम देते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में पहुंचेंगे, बट इस तरह का जब हो तो वो क्वेश्चन मार्क आता है कि वेदर ये प्रिपरेशन वर्थ इट है। हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद हैं, 29 साल के हैं परीक्षार्थी, और कल ही इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी, पीटी की, लेकिन काफी मायूस हुए होंगे अभिषेक जब पता चला कि परीक्षा जो है शाम में रद्द कर दी गई। जी बिल्कुल, बहुत डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि काफी मेहनत करके स्टूडेंट जाता है एग्जामिनेशन देने के लिए, और फिर जब पता चलता है कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो डिमोटिवेटिंग है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। कितनी तैयारी आपने की थी इस परीक्षा के लिए? काफी तैयारी थी, 2020 में पहला अटेम्प्ट था, ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो लगे हुए थे हम लोग तैयारी में, और पिछले साल चूंकि एग्जाम हुआ नहीं तो इस साल ऑलरेडी 6 महीने डिलेट था ये एग्जाम, तो फिर भी आदमी सोचता है कि बीपीएससी का एग्जाम है तो इट्स ओके, लेकिन फिर इस तरह का जब डिसीजन आता है सामने तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आपको कब पता चला कि आपका पटना के आप रहने वाले हैं, लेकिन आपका सेंटर कहाँ था, और आपको पता कब चला कि अब एग्जाम के बाद ये पेपर आपका जो है वो कैंसिल हो गया है? जनरली मेल कैंडिडेट्स का सेंटर होम टाउन में नहीं होता है बीपीएससी में, तो मेरा सेंटर नवादा था, तो एक तो आपको पहले ही वहाँ पता करना होता है कि क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कैसे आप वहाँ कहाँ रहेंगे, तो पहले ही बुकिंग करके होटल वगैरह बुक करके पहले ही गए हम लोग एक दिन पहले ही। फिर वहाँ एग्जामिनेशन देने के बाद जब निकले हैं तो लौटते वक्त फिर बस में हम लोगों को पता चला कि एग्जामिनेशन हैज बीन कैंसिल्ड। किस तरीके की उस समय मतलब फीलिंग रही हो? बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था ये, क्योंकि पेपर अच्छा गया था, चांसेस थे कि सिलेक्शन हो प्री में, बट इस तरह का हमने सोचा नहीं था कि मतलब इतना अच्छा पेपर जाने के बाद भी फिर ऐसा होगा कि कहीं से कुछ बाहर निकलेगा और फिर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थे आगे के लिए, कब होगा एग्जाम कब नहीं होगा कुछ श्योर नहीं है, सो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग है ये। बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं आप, एग्जाम कब होगा नहीं होगा इसको लेकर भी सवाल अभी खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब होना चाहिए एग्जाम, कब होगा? क्योंकि जो सरकार है या बीपीएससी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है पूरा इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या टाइमलाइन होगा एग्जाम का। बिल्कुल, लेकिन जो प्रिपरेशन है, अगर आपके सामने एक टारगेट रहे कि इस डेट को एग्जाम हो रहा है, तो आप मोटिवेटेड होकर प्रिपरेशन करते हो और फिर आगे का प्लानिंग करते हो कि आगे के जो एग्जाम होंगे, मेंस होंगे या फिर इंटरव्यू होगा, उसका कैसे प्रिपरेशन होगा। बट अगर शुरू में ही इनिशियली ही ये गड़बड़ हो जाए तो बहुत जितना जल्दी हो सके मैं तो ये कहूंगा कि एग्जाम हो, ताकि स्टूडेंट अच्छे से एग्जाम मतलब ये कर सके, दे सके। डेफिनेटली जो भी आयोग डिसीजन लेगा ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को मानना ही है, बट एज अ स्टूडेंट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, और मैं यही कहूंगा कि जितनी जल्दी एग्जाम हो सके बेटर रहेगा। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या आप हमेशा से बीपीएससी या सरकारी नौकरी करना चाहते थे क्या? मैंने इंजीनियरिंग की थी, 2015 पास आउट हूं मैं, लेकिन ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी, तो बेसिकली मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन में आया। उसके बाद 2020 में जैसा मैंने कहा पहला अटेम्प्ट था, ये दूसरा अटेम्प्ट था क्योंकि 21 में पेपर हुआ नहीं, लेकिन फिर आप जो ढंग की नौकरी खोज रहे हो अगर सरकारी में अगर ऐसा रहेगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ सोच के प्रिपरेशन में आते हो, इतना टाइम लगाते हो, और उसके बाद जब आपको एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो जाए तो आगे क्या होना है वो फ्यूचर बहुत डार्क लगता है। आप बता रहे थे कि आपने 15 में इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद आप क्या 4-5 साल नौकरी ढूंढते रहे, आपको वैसी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, इसके बाद ही आपने प्रिपरेशन शुरू किया? बिल्कुल नौकरी ढंग की नहीं मिल रही थी, सेटिस्फाइड नहीं थे, और हर आदमी चाहता है कि प्रोग्रेस करे लाइफ में, बेटर नौकरी हो, स्टेबिलिटी हो, वो सरकारी नौकरी में होती है, इसीलिए स्टूडेंट सरकारी नौकरी में आता है, लेकिन जब ऐसा डिसीजन हो तो बहुत ही मुश्किल है।
एक वैसे भी मायूसी मतलब अभिषेक होती है कि मान लीजिए आपने आज इंजीनियरिंग किया, उसके बाद अगर आप नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे ही एक आदमी को जो है थोड़ा मायूस हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। उसके बाद अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके बाद इस तरीके की घटना घटती है, तो वाकई मतलब बहुत दिल टूट जाता होगा। बिल्कुल टूट गया। और जब हम लोग लौट रहे थे तो मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और सब जिनका अच्छा पेपर गया था वो सारे डिसअपॉइंटेड थे। मैं डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि आप बहुत कुछ सोचते हो फ्यूचर को लेके, आप एट द एंड ऑफ द डे आप स्टेबल होना चाहते हो लाइफ में, बट किसी भी रीजन से, और जब ऐसा रीजन हो जहां जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, जब आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो और ऐसा कुछ हो जाए, तो आगे क्या होने वाला है ये सोच के मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। बहुत सारे लोग इसके बाद प्रिपरेशन छोड़ भी देते हैं, तो वही है कि अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह हम मोटिवेटेड रहेंगे, ये थोड़ा एक बिग क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 6 लाख जो है कैंडिडेट्स थे इसके लिए, जो बिहार के बाहर बाहर दूसरे राज्यों से भी आए थे, तो ऐसे में एक छवि भी स्टेट की खराब होती है जो बाहर के छात्र अपने अपने राज्य गए होंगे। बिल्कुल, बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आप देख लीजिए और फिर बिहार का देख लीजिए, तो बिल्कुल स्टेट का छवि खराब होता है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और इस एस्पिरेशन से आते हैं कि स्टेट पीसीएस एग्जाम है तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एग्जाम है, और इतना अगर बिहार का लड़का हो या बाहर का भी लड़का हो, अगर इस तरह का मतलब एक प्रेसिडेंट सामने आए, मतलब सामने दिखे कि ऐसा हो रहा है एग्जाम में, तो फिर डिमोटिवेटेड डेफिनेटली होता है, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और अगर स्टेट लेवल पे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए सबसे हाईएस्ट एक मतलब बॉडी है जहां पे आपका सिलेक्शन होता है, आप इसको पास करते हैं तो आप डीएसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बेसिक रीजन है कि आप इतना टाइम देते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन में पहुंचेंगे, बट इस तरह का जब हो तो वो क्वेश्चन मार्क आता है कि वेदर ये प्रिपरेशन वर्थ इट है, क्योंकि अगर आप नहीं, एग्जाम देने के बाद भी आपको अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो डिमोटिवेशन होगा ही। बिल्कुल, तो बहुत ही मुश्किल है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। किरण झा इस वक्त हमारे साथ हैं, अभिषेक की माँ है। अभिषेक से अभी हमारी बात हो रही थी, वो भी मायूस थे कि परीक्षा जिस तरीके से रद्द हुई है, तो एक माँ बाप के तौर पर क्या दिल पे गुजरता है जब पता चलता है कि बेटे ने मेहनत की इतना बीपीएससी के लिए और फिर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो क्या गुजरता है दिल पे? बहुत बुरा लगता है सर, बच्चे को दिन रात देखते हैं मेहनत करते हुए, और जब सेंटर से ये निकला तो हमको फोन किया कि मम्मा एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, तो हम सब खुश हो गए, अपने छोटे लड़के को भी बताए देखो भाई का एग्जाम बहुत अच्छा गया। फिर कुछ ही देर में देखे न्यूज चैनल पर जो ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, प्रश्न ये हो गया, आउट हो गया क्वेश्चन, और ये फिर बाद में सारा डिसीजन लेने के बाद एग्जाम रद्द हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, क्या मजाक है। 2 साल कोरोना में सारा एग्जाम बंद रहा, कुछ नहीं हुआ, कब तक ये सब चलेगा, बंद कीजिए ये सब। आपका जब चुनाव आता है तो सारा व्यवस्थित ढंग से कितना अच्छा सारा सब कुछ टाइम पर चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, एग्जाम में क्यों नहीं होता है, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चे से, ऐसा मत कीजिए, बंद कीजिए। मोदी जी बोलते हैं एग्जाम उत्सव की तरह, कैसे उत्सव होगा इस तरह से, कैसे करके गया है वो एग्जाम देने, आने के टाइम में 2 घंटा खड़ा रहा, इतना मारा मारी, इतना बेरोजगारी, ठूस ठूस के बस ऑटो भरा हुआ, आने का जगह नहीं है। फिर 9 बजे फोन किया कि मम्मा कैसे आए, कोई सवारी नहीं है, तो फिर कहाँ, वहाँ नवादा से नालंदा आया, वहां से फिर बस करके, फिर यहां से ऑटो में जगह नहीं था, इतना बच्चा था, फिर गया है लाने के लिए तो बच्चा आया है, यही सब परेशानी है, और ये सब बंद होना चाहिए। हमको तो लगता है कि डेट मत दीजिए सर, इस एग्जाम को निकालिए रिजल्ट, जो बच्चा अच्छे से दिया है उसका क्लियर होना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए, अब कितना टाइम चाहिए। आपको की किरण जी परीक्षा तो रद्द हो गई है तो इसको वापस नहीं मतलब माना जा सकता है, लेकिन क्या उम्मीद करेंगे सरकार से कि कितनी जल्दी फिर से परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल होता है ना, 6 लाख बच्चे ने इस परीक्षा को दिया था और सबका भविष्य जो है अब एक तरीके से अंधकार में। हर एक एग्जाम का सर यही हालत है, हर एक एग्जाम का, इसमें सुधार होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी जो सरकार ध्यान दे, सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है कि एग्जाम को उत्सव बनाओ, उत्सव है कहने से नहीं होता है, जो बच्चा पढ़ता है दिन रात, जो झेलता है वही समझता है, देखते हैं आंख से बच्चे को, अब कितना इंतजार करें। सर आप लगातार देखती होंगे अपने बेटे को मेहनत करते हुए, पढ़ाई करते हुए, कुछ नहीं सोचता है इसको पढ़ाई के सिवा, और तरह तरह का निकलता नहीं है मेरा बच्चा घर से, कहीं पार्टी फंक्शन में क्या कर रहा है, अभिषेक क्या कर रहा है, तैयारी, इतना तैयारी छोड़ो, सरकारी नौकरी में क्या रखा हुआ है, पेंशन भी नहीं मिलता है, काहे पागल बने हुए,
तो मेरा बच्चा 8 बजे रात में घर से निकलता है, जो कोई हमको देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कहा है कोई गुनाह किया है? सरकारी जॉब का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, गुनाह तो नहीं किया है? इस तरह से झेलना पड़ता है। माँ बाप ही समझ रहा है बच्चे की परेशानी, माँ बाप को खुद भी परेशानी होती होगी कि बच्चा सेटल नहीं कर रहा है जल्दी। बहुत परेशानी है, लगता है कब बच्चा सेट हो। इसकी परेशानी देख के कोई माँ ही समझ सकती है, जो बच्चे को दिन रात मेहनत करते देखती है और कुछ नतीजा नहीं। अभी SSC का एग्जाम भी देख के आया, उसका भी वही हाल है। अभी NEET का एग्जाम मेरी भतीजी दी पिछले साल, चेकिंग के नाम पर 3 घंटा धूप में खड़ा किया गया उसका। जहां एग्जाम होता है, जब आपका वोटिंग पड़ता है, तब तो वहां का इतना अच्छा व्यवस्था रहता है आपका, एग्जाम में क्यों नहीं रहता है? एग्जाम को क्यों नहीं इस तरह से व्यवस्था करते? धूप है, पानी, घर ही नहीं है, पानी नहीं है, चेकिंग के नाम पर। और जहां चेकिंग होना चाहिए, जहां सेटिंग होना चाहिए, वो तो हो ही जाता है आपका, क्यों रखे हुए ये सब? तामझाम बंद कीजिए और सही से एग्जाम लीजिए, बच्चे को सही से राह दिखाइए, निकलने दीजिए। माँ बाप भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, सरकार, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो,